एटा में तीसरे चरण के लिए होने वाले एटा लोकसभा चुनाव के लिए मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। बता दें कि जनपद एटा की 3 विधानसभाओं में 1133 पोलिंग स्टेशन हैं, जहां 1528 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि की बात की जाए तो 15 कंपनी टू प्लान पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। इसके साथ 1.5 कंपनी पीएसी, 3000 पुलिस जवान और 2000 होमगार्ड, 110 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, आगरा लोकसभा में हमारे यहाँ की जलेसर विधानसभा है और एटा लोकसभा में सदर और मरारा विधानसभा है। 3 विधानसभाओं का कल इलेक्शन है और इसमें हम लोग की पूरी तैयारी है और इसमें 2 एडिशनल एसपी, 6 डिप्टी एसपी, 48 इंस्पेक्टर, 307 सब इंस्पेक्टर, 3009 की संख्या में हेड कांस्टेबल और 2085 होमगार्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा 15 कंपनी और 2 प्लाटून सीएपीएफ आई हुई है और 2 कंपनी पीएसी हमारे पास है। पर्याप्त फोर्स है, लगभग 5800 के आसपास की संख्या में फोर्स है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी भी है, बूथ की ड्यूटी भी है और इसमें बैरियर की ड्यूटी भी शामिल है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी है। आम लोगों को मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक मत डाल करके एटा में एक रिकॉर्ड कायम करें अधिक मतदान का। कुल क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ कितने हैं, क्या वहाँ पर व्यवस्था की गई है? देखिए, हमारे यहाँ वल्नरेबल कुल इसमें 8 की व्यवस्था है, 8 है जिसमें अलग से वहाँ पे सीएपीएफ की व्यवस्था की जा रही है। टोटल हमारे 188 हमारे जो है क्रिटिकल और वल्नरेबल मिला करके बूथ हैं, उन पे सबसे जो है सीएपीएफ की फोर्स लगाई गई है। कुल मिला करके 215 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर सीएपीएफ की व्यवस्था की गई। देखिए, आज 6 तारीख को, कल हमारे 7 तारीख को 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जनपद एटा में 3 विधानसभाओं के लिए मतदान होना है, जिसमें से आगरा के लिए जलेसर विधानसभा और एटा संसदीय लोकसभा क्षेत्र के लिए एटा और मरारा विधानसभा। टोटल 3 विधानसभाओं में कुल 1133 पोलिंग बूथों पर मतदान कल सुनिश्चित किया है। इसमें हमारे 110 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और 10 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। आज 6 तारीख को मंडी परिषद के इस प्रांगण से पार्टियां रवाना हो रही हैं। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ हैं, सभी सेक्टर, सभी मतदान कर्मी आ रहे हैं और सकुशल मशीनें और सभी प्रपत्र प्राप्त करके वाहनों से यहाँ आज रवाना होंगे और उम्मीद है कि 2-2.5 बजे तक यहाँ से सारी पार्टियां रवाना हो जाएंगी और कल सकुशल मतदान संपन्न कराया जाएगा।